हमारे देश में गली मोहल्ले या रोड पे कुछ मिले या ना मिले, एक चीज़ जरूर मिलती है, वो है सबका फेवरेट पान ठेला, पान की टपरी। राइट, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या टॉपिक है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं इंडियन पान मसाला मार्केट कितना बड़ा है? क्या आप जानते हैं कि ये पान मसाला कंपनीज इतने बड़े सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार्स को कैसे अफोर्ड करती है अपने फॉरेन लोकेशन वाली एड्स में? क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवेज को लगभग 1200 करोड़ रुपये क्यों खर्च करने पड़ते हैं हर साल ये इंडस्ट्री की वजह से? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा पहला सवाल था कि इंडियन पान मसाला मार्केट कितना बड़ा है, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो चॉकलेट वाला मार्केट है, चॉकलेट इंडस्ट्री, राइट, वो लगभग 16000 करोड़ की है, और जो बच्चे जो बिस्किट खाते हैं वो 37000 करोड़ की है, और जो पान मसाला का मार्केट है वो इन सारी इंडस्ट्रीज को बीट करते हुए 2021 में 42200 करोड़ का था। ये इंडस्ट्री की एक अच्छी बात भी है कि ये 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी देता है, और हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है ये मार्केट में, और UAE हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर। ये जो आंकड़े मैंने जो दिया है वो सबूत है कि हमारे बच्चे जो चॉकलेट और बिस्किट इतना नहीं खाते जितने हमारे बड़े पान मसाला चबा चबा कर हमारे रोड और दीवार लाल रंग की करे जा रहे हैं। इन थूके लोगों की एक बीमारी है थूकने की, जहाँ देखे वहाँ थूकते जाते, जैसे रोड, रेलवे ट्रैक, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे सैलाब या सिनेमा घर की दीवार, जहाँ साफ सुथरी सफ़ेद दीवार दिखी, ये थूकिया लोग अपने अनमोल कला का प्रदर्शन करके उस पर अपनी असीम पिचकारी वाली लाल थूक से अद्भुत लाल रंग की रंग बिरंगी दीवार बनाकर ही छोड़ते। कभी आपने गौर किया है कि इनका धंधा इतना बढ़ता क्यों है? एक और एक इंडस्ट्री आती है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। भाई इनकी क्रिएटिविटी तो एक नेक्स्ट लेवल की है। क्या आपने नाम सुना है सरोगेट एड्स का? ये सरोगेट एड्स होती क्या है, चलो देखते हैं। जो हमारे इंडिया में एक लॉ है, जैसे सिन गुड से अल्कोहल टोबैको, ये बैन है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना भी बैन है कई स्टेट्स में। तो यहाँ ये इंडस्ट्री को मदद करने आती है हमारी मीडिया इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। अभी एग्जांपल ये अल्कोहल का, तो डायरेक्ट अल्कोहल की तो एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, वैसे ही पैकेजिंग में सोडा या वाटर बॉटल निकालते हैं, और इसकी एडवर्टाइजमेंट फॉरेन लोकेशन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के द्वारा की जाती है। वैसे ही जो टोबैको है, जो बैन है कई स्टेट्स में ऑब्वियसली, तो ये सेम पैकेजिंग में पान मसाला या सिल्वर कोटेड इलायची निकालेंगे, सेम बड़े बड़े फॉरेन लोकेशन और सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खा रहे, क्योंकि इनके हिसाब से ये तो सोडा, वाटर बॉटल और सीडी कैसेट, सिल्वर कोटेड इलायची बेच रहे, पर इसके बदले में इनको मिलती है करोड़ों रुपए की फीस एज एडवर्टाइजमेंट फी। अभी आप एक टपरी पे चले जाओ, वहाँ बैठे भैया जी से पूछना कि भाई जुबा केसरी करनी है, तो भाई साहब दो पैकेट देंगे, एक रहेगा पान मसाला सुपारी वाला बिना टोबैको, ठीक है, और साइड में बिना बोले एक और एक पैकेट पकड़ा देंगे, और फिर इन दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है कैंसर खाने वाला पदार्थ। सिनेमा घरों में मुकेश वाली ऐड तो सबने देखी होंगी, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, और यही ऐड देख के जम के मसाला खरीदा जा रहा है और खाया जा रहा है। और ये जो लोग खाते हैं वो लोग एवरेज में 10 मिनट में 20 बार कम से कम थूकते, याद है कोविड में थूकना कफ करना कितना मना था, सब मास्क पहन के घूम रहे थे, क्योंकि कफ और सलाइवा अगर थूके तो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स एयरबॉर्न डिजीज फैला रहे थे। ठीक वैसे ही एक और एक बीमारी है जो हर साल 5 लाख लोगों की जान ले लेती है, उसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के लगभग 1/3 केसेस हमारे देश में ही पाए जाते हैं। इंडियन रेलवेज हर साल अपने रेलवे स्टेशन से ये लाल रंग की गंदगी मिटाने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च करती है, और साफ पानी की बर्बादी वो अलग। ये थी हमारी इंडियन फीडिंग इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।